हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज की शिक्षक भर्ती और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज़ कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो फ्रेंड्स, 68,500 भर्ती में दो बार मूल्यांकन के बाद भी अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है। शिक्षक भर्ती में 500 कापियाँ फिर जाँची जाएंगी। तो फ्रेंड्स, फिर से 68,500 में 500 कापियाँ जाँची जाएंगी। परिषदीय प्राथमिक स्कूल में 68,500, सहायक अध्यापक भर्ती में लगभग 500 अभ्यर्थियों की कापी फिर जाँची जाएंगी। इनमें तकरीबन आधे ऐसे हैं जिनके दो बार कापी जांची जा चुकी है, लेकिन वह परिणाम से संतुष्ट नहीं है। आधे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन नहीं कर सके थे और हाईकोर्ट में याचिका करके पुनर्मूल्यांकन कराने के लिए अनुरोध किया था। कोर्ट ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को जनवरी तक कापी जांचने का निर्देश दिया है। 14 अगस्त 2018 को घोषित लिखित परीक्षा का परिणाम में कई फेल अभ्यर्थियों को पास कर दिया गया था। दो अभ्यर्थी ऐसे थे जो परीक्षा में शामिल नहीं हुए और पास हो गए। इस पर शासन ने तत्कालीन सचिव सुधा सिंह को 8 सितंबर को निलंबित कर दिया था। प्रकरण की जांच 9 सितंबर 2018 को प्रमुख सचिव संजय भूसरेड्डी की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय कमेटी को सौंपी थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 5 अक्टूबर को सरकार को सौंपी। रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन रजिस्टर जीवेंद्र सिंह एरी और उप रजिस्टर प्रेम चंद्र कुशवाहा को निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद SCERT में दोबारा कॉपी की जाँच कराई गई। तो फ्रेंड्स, 500 कॉपी फिर पुनः जांची जाएगी पुनर्मूल्यांकन। और कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो दो बार कॉपी जांचने के बाद भी संतुष्ट नहीं है। और फ्रेंड्स, TGT के गलत उत्तरों पर हाईकोर्ट में 16 को सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में TGT 2016 के शारीरिक शिक्षा विषय को लेकर गलत उत्तरों को लेकर 16 दिसंबर को सुनवाई की तारीख लगाई गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने दिया है। प्रमोद कुमार पाल वान्य की ओर से दाखिल याचिका के अनुसार याचियों ने 8 मार्च 2019 को संपन्न हुई TGT 2016 में शारीरिक शिक्षा विषय की परीक्षा दी थी। बोर्ड ने जारी की बुकलेट सीरीज सी के 6 प्रश्नों के गलत उत्तर के लिए याचियों ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में आपत्ति दी थी। इस पर चयन बोर्ड ने परिणाम के साथ उत्तर कुंजी प्रकाशित की, लेकिन उत्तर गलत ही रहे। याचियों का कहना है कि गलत उत्तरों के संबंध में बोर्ड ने कहा है कि अब आपत्ति नहीं ली जाएगी। इसके बाद यह याचिका दाखिल की गई थी और इसकी सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। और फ्रेंड्स, UPSC को लेकर लेटेस्ट न्यूज़। चयनितों ने काउंसलिंग कराने को बुलंद की आवाज़। असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर चयनित हो गए, लेकिन नियुक्ति के लिए संघर्ष अभी जारी है। अधिकारियों के इस रवैये के चलते सैकड़ों चयनितों की काउंसलिंग अब तक शुरू नहीं हुई। काउंसलिंग के बाद ही उन्हें नियुक्ति मिलेगी। उच्च शिक्षा निदेशालय में मंगलवार को ऐसे चयनित इकट्ठा हुए। उच्च शिक्षक प्रतियोगी मोर्चे के बैनर तले प्रदर्शन में चयनित काउंसलिंग की तारीख घोषित करने की मांग कर रहे थे, लेकिन अधिकारियों ने उनकी मांग को गंभीरता से नहीं लिया। उच्च शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 47 के तहत अशासकीय सहायता प्राप्त एडिट डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए भर्ती करा रहा है। 35 विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर के 1150 पदों पर भर्ती होनी है। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 29 जुलाई से चल रहा है। अब तक 31 विषयों के 550 पदों का परिणाम घोषित हो चुका है, लेकिन काउंसलिंग न होने से किसी चयनित को नियुक्ति नहीं मिल पाई है। तो ये आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो हमने आपको अपडेट करा दी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।